तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूँ जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्टीम एंड देयर एंथैल्पीज, यानी कि स्टीम का डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उस डिफरेंट टाइप के स्टीम के पास कितना एंथैल्पीज है उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए, यह एक कमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग आज बहुत ही डिटेल से समझेंगे कि हमारा जो स्टीम है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि हमारा वाटर से सुपरहीटेड स्टीम बनने के बीच में कितने स्टेज में हमारा स्टीम का कन्वर्जन होता है और उस स्टीम के पास कितना एंथैल्पी होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। यानी कि वेट स्टीम क्या होता है, सैचुरेटेड स्टीम क्या होता है और सुपरहीटेड स्टीम क्या होता है, इसका एंथैल्पी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टीम के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो इसको हम लोग एक टीएस डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो देखिए, मैं यहां पे एक टीएस डायग्राम प्लॉट कर दे रहा हूं। इधर क्या है, हमारा एंट्रोपी है, एस है, और इधर क्या है, हमारा टेम्परेचर है, ठीक है। और इस टीएस डायग्राम के अंदर हमारा क्या है, एक वेपर डोम है। ये क्या है, हमारा वेपर डोम है, ठीक है। जब हम लोग रैंकाइन साइकिल के बारे में डिस्कस किए थे तो इस वेपर डोम के बारे में हम लोग बहुत ही इजीली समझे थे और उसमें देखे थे कि हमारा इस लेफ्ट लाइन के लेफ्ट साइड में क्या रहता है, हमारा ये लिक्विड जोन रहता है, ठीक है, और राइट जोन में क्या रहता है, हमारा वेपर जोन रहता है, और इधर क्या रहता है, हमारा लिक्विड प्लस वेपर जोन रहता है। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, यानी कि इस लाइन में हमारा जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, और इस लाइन पे जो भी रहेगा वो हमारा वेपर रहेगा, और इस डोम के बीचों बीच में जो भी रहेगा वो क्या रहता है, हमारा लिक्विड प्लस वेपर जोन रहता है। और एक चीज़ हम लोग ये भी देखे थे कि यहाँ पे जो हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि यहाँ पे जीरो का मतलब क्या है कि 100% यहाँ पे मॉइस्चर है, और यहाँ पे हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, वन होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 0% वाटर है, यानी कि ये पूरा ड्राई स्टीम है, यानी कि पूरा सैचुरेटेड स्टीम है। ये चीज़ हम लोग जानते थे, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में हमने क्या ले रखा है, तो इस कंटेनर में हमारे पास है वाटर, ठीक है, यहाँ पे वाटर है, और नीचे से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हीट देना स्टार्ट कर रहे हैं, इस कंटेनर को हम लोग हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं, और इसका जो टेम्परेचर है वो मान लीजिए कुछ भी है, 0 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, या आप 40 डिग्री सेल्सियस कुछ भी मान लीजिए, इसका टेम्परेचर है। तो और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो वाटर है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इस वाटर को हम लोग जब तक 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं लाएंगे तब तक ये स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये वाला जो हीट है हम लोग देते रहेंगे, नीचे क्या है, हम लोग हीट दे रहे हैं, और इससे क्या होगा, इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इनिशियल में इस वाटर का टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था, और बाद में जाके इसको हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर दिए। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए इनिशियल में हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। अब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि इस सेक्शन में जाएगा तो ये हमारा टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आके हमारा कुछ क्या हो रहा है, ये 100 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इस वाटर को कहाँ तक ला दिए, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट यानी कि सैचुरेशन पॉइंट पे ला दिए। अब इसको अगर हमें किस में कन्वर्ट करना है, स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो इसको हमें और हीट देना पड़ेगा, यानी कि और हम लोग हीट देंगे तो ये क्या होगा, अब ये जो वाटर है वो धीरे धीरे क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे क्या होगा, अपना फेज चेंज करेगा। तो देखिए, फेज चेंज करने के दौरान हमारा टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होता है, यानी कि उस दौरान हमारा जो ये स्टीम बनेगा उसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो इधर जो है वो हमारा क्या होगा, फेज चेंज होने लगता है, यानी कि ये हमारा लिक्विड, अब देखिए इसको आप गर्म करेंगे तो ये टोटली एक ही साथ 100% स्टीम में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, थोड़ा पानी भी रहेगा, यानी कि इस पानी को टोटली आपको स्टीम में कन्वर्ट करना है। 100 डिग्री सेल्सियस ला दिए और हीट किए तो ऐसा नहीं है कि वो छूम अंतर है, वो टोटली क्या है, वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होगा, नहीं, वो थोड़ा थोड़ा वाटर जो है इसका
क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो थोड़ा थोड़ा जो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है उस दौरान जो हीट का एब्जॉर्प्शन होता है वो कौन सा होता है, तो लैटेंट हीट होता है, क्योंकि उस समय हमारा जो टेम्परेचर होगा वो वाटर का और स्टीम का टेम्परेचर सेम रहता है, केवल फेज चेंज होता है। और जहाँ पे भी फेज चेंज करने की बात आता है वहाँ पे कौन सा हीट एडिशन होता है, तो लैटेंट हीट एडिशन होता है। तो मान लीजिए कि हम लोग हीट यहाँ पे दिए, तो हमारा जो वाटर है मान लीजिए 5 kg लिए, 10 kg लिए, तो 10 kg वाटर को हम जब लोग हीट कर रहे हैं तो वो अभी 50% क्या है, स्टीम में कन्वर्ट हुआ, लेकिन 50% अभी भी क्या है, मॉइस्चर है, यानी कि वाटर है। तो ये हमारा ग्राफ कुछ यहाँ पे आएगा, यानी कि इसके बीचों बीच में आया। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अगर ये बीचों बीच में है, इस डॉम के बीचों बीच में है, इसका मतलब क्या है कि 50% ये हमारा लिक्विड है और 50% क्या है, वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग को क्या करना है कि टोटली स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए इस टाइप का जो स्टीम बनेगा उसको हम लोग कौन सा स्टीम बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेट स्टीम। यहां पे आप डायरेक्टली क्या लिख देंगे, वेट स्टीम। वेट स्टीम का मतलब क्या है कि इस स्टीम के अंदर हमारा क्या है, मॉइस्चर कंटेंट है। और ये वेट स्टीम कहां तक रहेगा, तो जब तक ये हमारा इस वेपर जोन के पास ना आ जाए। तो देखिए ये यहां से यहां तक आता है, तो इस लाइन में जैसे ही हमारा ये ग्राफ टच हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि ये जितना हमारा वाटर था वो टोटली क्या हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। और उसका अभी भी टेम्परेचर कितना है, तो इस स्टीम का जो टेम्परेचर है वो अभी भी 100 degrees Celsius है। इसका टेम्परेचर अभी भी कितना है, और ये टोटली वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो अभी भी कितना है, 100 degrees Celsius है। तो इस पॉइंट पे जो हमें स्टीम मिलेगा, यानी कि यहाँ पे सैचुरेटेड वाटर था, यहाँ पे क्या हो गया, सैचुरेटेड स्टीम हो गया, जिसको हम लोग सैचुरेटेड स्टीम या ड्राई स्टीम बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सैचुरेटेड, ड्राई या सैचुरेटेड स्टीम, ठीक है। अब इस स्टीम को हमें और टेम्परेचर बढ़ाना है, यानी कि स्टीम का और टेम्परेचर बढ़ाना है, तो हम लोग इसको और हीट करेंगे, यानी कि और आप क्या करेंगे, हीट ऐड करेंगे। तो अब क्या होगा कि ये जो हमारा 100 degrees Celsius वाटर से 100 degrees Celsius स्टीम में कन्वर्ट हुआ, अब इस स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा। और जहाँ पे भी सेम फेज में टेम्परेचर बढ़ता है वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि सेंसिबल हीट एडिशन हो रहा, यानी कि यहाँ से जीरो से हम लोग 100 degrees Celsius जो लाए उसमें क्या किया हम लोग, सेंसिबल हीट एडिशन किए। और यहाँ पे जो फेज चेंज हो गया, यहाँ पे हम लोग कौन सा हीट एडिशन किए, तो लैटेंट हीट एडिशन किए, क्योंकि लैटेंट हीट में हमारा जो टेम्परेचर होता है वो सेम होता है, ओनली फेज चेंज हो जाता है, यानी कि लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो इस दौरान कौन सा हीट एडिशन होता है, तो लैटेंट हीट, यहाँ पे सेंसिबल हीट। अब हम लोग इस सैचुरेटेड स्टीम को और हीट करेंगे तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये होता है सुपर हीटेड, यानी कि अब इस स्टीम का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। तो मान लीजिए हम लोग टेम्परेचर बढ़ाना है तो ग्राफ किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लेके ये जो 100 degrees Celsius था इसको मान लीजिए हम लोग 180 degrees Celsius हम लोग ला दिए, यानी कि यहाँ पे जो हमें स्टीम मिलेगा वो क्या होगा, देखिए एटमोस्फेरिक प्रेशर पे इस वाटर का जो सैचुरेशन पॉइंट था वो कितना, 100। अब यहाँ पे जो स्टीम बनेगा उसका सैचुरेशन पॉइंट क्या है, 100। लेकिन अब हम लोग 100 से ऊपर ले गए टेम्परेचर, यानी कि सैचुरेशन टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर जो भी हम लोग बढ़ाते हैं उस हीट एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ सुपर हीट। और जो स्टीम जनरेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो स्टीम है, सबसे पहले हम लोग वाटर में सेंसिबल हीट ऐड करके उसको सैचुरेशन पॉइंट तक लाए, और सैचुरेशन पॉइंट यानी कि जैसे ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया उसको हम लोग और हीट देंगे तो इसके अंदर लैटेंट हीट ऐड होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमारा जो वेट स्टीम है उसका कुछ पॉइंट हमारा यहीं तक आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है, यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू कितना है। तो देखिए ड्राइनेस फ्रैक्शन इस स्टीम का कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड किया है, यानी कि बैरल कैलोरीमीटर की मदद से भी कर सकते हैं और सेपरेटिंग कैलोरीमीटर की मदद से भी कर सकते हैं। अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज़ उसमें देखिएगा कि कैसे हम लोग स्टीम का जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो पता करते हैं कि हमारा स्टीम कितना ड्राई है
या स्टीम के अंदर कितना मॉइस्चर है उसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा x का वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा, मान लीजिए 0.8 है, 0.5 है, 0.6 है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अभी हम लोग इसका जो एंथैल्पी है, जो हीट कंटेंट है, उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस वाटर के पास कितना एंथैल्पी है उसको हम लोग देख लेते हैं, यानी कि एंथैल्पी ऑफ वाटर या एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड लिख सकते हैं। इसका एंथैल्पी हम लोग कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसका स्पेसिफिक हीट पता करेंगे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है। यानी कि स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है कि 1 kg वाटर को 1 degree Celsius टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट का जरूरत पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट जैसे आपको पता चल जाएगा तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है उससे आप क्या करेंगे, टेम्परेचर डेल्टा टी निकाल देंगे। यानी कि टी हमारा फाइनल टेम्परेचर माइनस टी इनिशियल टेम्परेचर कर देंगे, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, एच एफ, यानी कि हमारा इस वाटर के पास, यानी कि हमारा जो फ्लूइड है उसके पास कितना एनर्जी अवेलेबल है। तो इसको आपको करने के लिए क्या है, CPW यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लूइड और टेम्परेचर डिफरेंस कर दीजिए, है ना। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, हमारा वाटर का जो एंथैल्पी है वो निकल के आएगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास अभी कौन सा एनर्जी बचा मिल गया, तो हमारे पास HF मिल गया। यहाँ पे कौन सा मिल गया, तो हमारे पास यहाँ पे जो हीट है वो HF है। अब HF के बाद हम लोग हीट ऐड किए और इसको हम लोग कहाँ तक ला दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एच जी बन गया, यानी कि टोटल स्टीम में कन्वर्ट हो गया। ये क्या हो गया, एच जी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे टोटल फ्लूइड है, यहाँ पे टोटल क्या है, गैस बन गया, स्टीम बन गया। तो इसके बीच में जो हम लोग हीट एडिशन किया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि लैटेंट हीट एडिशन किए हैं, और इसको हम लोग वेट स्टीम बोलते हैं, क्योंकि इस वेपर डाउन के अंदर जो भी स्टीम होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉइस्चर कंटेंट रहेगा। अगर यहाँ भी देखेंगे तो हो सकता है 0.5% ही मॉइस्चर हो, लेकिन जरूर रहेगा, लेकिन इस लाइन में जैसे ही टच कर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, टोटली ड्राई स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस स्टीम का जो एंथैल्पी है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम अगर करना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा एंथैल्पी ऑफ फ्लूइड कितना है, यानी कि हम लोग यहाँ पे जो हीट एडिशन किए हैं वो कितना हीट एडिशन किए हैं, तो उसको निकालने के लिए ये, यानी कि सिंपली जो वाटर है बॉयलर के अंदर एंटर कर रहा है उसका एंथैल्पी कितना है, जितना टेम्परेचर रहता है उतना ही उसका एंथैल्पी रहता है, इसको आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ वाटर हो गया प्लस, अब हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वेट स्टीम में हमारा कभी भी ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन ले लेंगे, और इस दौरान हीट एडिशन कौन सा हो रहा है, तो लैटेंट हीट एडिशन हो रहा है, यानी कि HFG, यानी कि लैटेंट हीट एडिशन, यानी कि जितना प्रेशर है यहाँ पे हमारा इस लिक्विड का, जैसे हम लोग एटमोस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो एटमोस्फेरिक प्रेशर पे हम लोग लैटेंट हीट देख लेंगे कितना होता है, 539 किलो कैलोरी पर केजी होता है, और उसमें हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाल लेंगे। पहले ड्राइनेस फ्रैक्शन के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जैसे भी आपको अगर इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना है तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं, या आपको वैल्यू दिया रहेगा कि हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो 80% है, तो आप यहाँ पे 80 और लैटेंट हीट निकाल लेंगे, और जो हमारा एंथैल्पी है यहाँ पे वाटर का उसको कर देंगे, तो इस तरह से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा स्टीम आ गया, यानी कि x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे HG हम लोग बात कर रहे हैं कि ये HG है, यानी कि स्टीम बन गया, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो देखिए HF प्लस x HFG यही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा हम लोग को पता है कि x का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि ये टोटली स्टीम में बन गया। तो यहाँ पे आप अगर करेंगे HF प्लस 1 इंटू HFG तो ये क्या हो जाएगा, HF प्लस HFG, यानी कि इसका फॉर्मूला डायरेक्टली बन जाता है कि HG इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि हमारा यहाँ का एंथैल्पी आप ले लीजिए और लैटेंट हीट कितना इसके बीच में ऐड किए, यानी कि उस प्रेशर पे आप डायरेक्टली लैटेंट हीट फाइंड आउट किए, और डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा कि यहाँ पे जो स्टीम है, जो ड्राई स्टीम है या जो सैचुरेटेड स्टीम है उसके पास कितना एंथैल्पी है, वो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि यहाँ से जो स्टीम है उसका टेम्परेचर बढ़ाने लगे, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, डेल्टा टी जो हो रहा है वो डिग्री ऑफ सुपरहीट कहलाता है, और ये जो स्टीम बन जाता है वो
सुपर हीटेड स्टीम बन जाता है। तो इस सुपर हीटेड स्टीम का अगर आपको एंथैल्पी निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ सुपर हीटेड यानी कि एच सुपर हीटेड एंथैल्पी क्या होगा, सुपर हीटेड स्टीम का एंथैल्पी क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा जो वाटर जो टेम्परेचर गेन किया उसका एंथैल्पी कितना है, यानी कि एच एफ प्लस यहाँ से यहाँ तक हमारा लेटेंट हीट कितना है, यानी कि यहाँ पे कौन सा हीट एडिशन हुआ, तो एच एफ जी लेटेंट हीट, तो एच एफ जी प्लस अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा टेम्परेचर गेन हो रहा है, यानी कि डेल्टा टी जहाँ पे भी आता है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्पेसिफिक हीट यूज करेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर गेन हो रहा है वाटर का तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिए थे, यहाँ पे टेम्परेचर गेन हो रहा है स्टीम का तो यहाँ पे स्टीम का हम लोग स्पेसिफिक हीट लेंगे, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना गेन हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे हमारा सुपर हीटेड का जो टेम्परेचर है वो कितना है, यानी कि टी सुप लिख लीजिए और माइनस कर दीजिए, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, तो ये सैचुरेटेड स्टीम का टेम्परेचर है यानी कि टी एस, और ये हो जाएगा हमारा सुपर हीटेड स्टीम के पास टोटल एंथैल्पी कितना है। तो देखिए इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एच जी लिख सकते हैं, तो इसको एच जी लिख देंगे, तो यानी कि आपका फॉर्मूला शॉर्ट में क्या हो जाएगा, एच जी प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम और टी सुपर हीट माइनस टी एस सैचुरेटेड। तो यहाँ पे आप सुपर हीटेड स्टीम का जो एंथैल्पी है वो निकालिए। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि जो हमारा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है वो कितना होता है, 4.18 किलो जूल पर के जी कैलविन होता है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम यानी सुपर हीटेड स्टीम का 2.1 किलो जूल पर के जी कैलविन होता है। कैलविन ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात है, जैसे जैसे हमारा प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका जो सुपर हीटेड स्टीम है उसका स्पेसिफिक हीट जो है वो चेंज होते रहेगा। ये हमारा जो स्पेसिफिक हीट जो है वाटर का वो क्या है, सेम रहता है। तो ये था एक बहुत ही सिंपल सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो स्टीम है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारा फ्रीजिंग पॉइंट से सैचुरेशन पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तक लाया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट पे लाने के बाद यहाँ पे लेटेंट हीट एडिशन किया जाता है जिससे इसके अंदर क्या होता है वो टोटली स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और इस स्टीम को और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये सुपर हीटेड स्टीम बन जाता है। इस तरह से हमारा पहले वाटर से वेट स्टीम बनेगा, वेट स्टीम से ड्राई स्टीम बनेगा, ड्राई से सुपर हीटेड स्टीम बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी पता चल गया होगा कि हमारा जो वाटर है उसका एंथैल्पी कैसे निकालेंगे, जो वेट स्टीम है उसका एंथैल्पी कैसे निकालेंगे, ड्राई स्टीम जो है उसका एंथैल्पी कैसे निकालेंगे, और सुपर हीटेड जो है उसका एंथैल्पी कैसे निकालेंगे। तो ये था एक बहुत ही सिंपल सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।